नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रियों में घोटाला कैसे होता है। दोस्तों, ये जो आपने अभी सुना रजिस्ट्री में घोटाला, ये कोई सर्वव्यापी चीज़ नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह घोटाला हो या ऐसी हर जगह हो कि जहाँ घोटाला ना होता हो। तो दोस्तों, अब बात रहती है कि भाई घोटाला कैसे हो सकता है। अब रजिस्ट्री क्या होती है? एक ज़मीन एक इंसान बेचने वाला है, ख़रीदने वाला है, बेचने वाला ख़रीदने वाले इनके बीच में जो है पैसे की लेन देन हो जाती है, ठीक है जी। वो दोनों एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराने तहसील में चले जाते हैं, डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जाता है, इंतकाल अपने नाम करवा लेती है पार्टी, एक प्रोसेस फॉलो होती है। तो इसमें घोटाला कहाँ होता है? घोटाला अभी आप पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार ने रजिस्ट्री घोटालों में जाँच के आदेश दिए। हम दोनों जगह के घोटालों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई वहाँ राजस्थान में घोटाला किस प्रकार से हो रहा है, या वो कैसे जांच में पकड़े गए, या हरियाणा में घोटाला किस प्रकार की शिकायत दी गई और किस प्रकार की जांच चल रही है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम रजिस्ट्री के प्रोसेस के बारे में। ज़रा सी आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि भाई जब भी कोई ज़मीन ख़रीदता है तो अगर 100 रुपये से ज़्यादा की कीमत की कोई ज़मीन है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होना चाहिए। तो अब रजिस्ट्रेशन कराने दोनों पार्टी तहसील पहुंच जाती हैं, वो वहाँ पे एक रजिस्टर डीड पेश करते हैं, उसके ऊपर स्टाम्प लगते हैं और जो तय फीस है उसको पे करने के बाद वो रजिस्ट्रार जो है उनकी फ़ोटो वगैरह होने के बाद साइन करके उनको रजिस्ट्री दे देता है। इस प्रोसेस में घोटाला कहाँ हुआ? दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम एलिगेशंस की। यहाँ पे जो हरियाणा में एलिगेशन क्या है कि रजिस्ट्री घोटाला कैसे हुआ, लॉकडाउन में बहुत सारी रजिस्ट्रियाँ फर्जी दर्ज की गई हैं और हमारे हरियाणा में एक एक्ट है जो कंट्रोल्ड एरिया, हरियाणा शहरी कंट्रोल्ड एरिया एक्ट करके, उसकी धारा 7 सबसेक्शन ए में बताया गया है कि 1200 गज से ऊपर अगर कोई प्रॉपर्टी है कंट्रोल्ड एरिया में तो अगर उसकी रजिस्ट्री करवानी है तो वो एग्जम्प्टेड है। उसके लिए जो टाउन प्लानर डिपार्टमेंट होता है, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर, उससे एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर 1200 गज से नीचे है तो उसकी जो है एनओसी लेनी पड़ेगी और टाउन प्लानर ही वो दफ्तर है, वो अथॉरिटी है जो CLU ज़मीन की जारी करती है। CLU होता है चेंज ऑफ लैंड। तो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं, नए कॉलोनाइजर क्या करते हैं, वो लोग शहर के आउटस्कर्ट्स पे फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाने से पहले काटते हैं कॉलोनी। कोई एग्रीकल्चरल लैंड है उसको लेके वो एक मैप तैयार कर लेते हैं, उसके हिसाब से प्लॉटिंग कर देते हैं। और प्लॉटिंग करने के बाद अब सेल तो 1200 गज से नीचे की हुई, क्योंकि 1200 गज के तो प्लॉट वो बेचेंगे नहीं, तो कोई 100 गज का, कोई 200 का, कोई 500 गज का। तो ऐसे करके जो कम एरिया के प्लॉट हैं उनको टोटल करके वो क्या करते हैं, 1200 गज बना लेते हैं। 1200 गज से ऊपर एरिया ले जाके उनको पार्टनर दिखा के फर्जी रजिस्ट्री कर लेते हैं। तो एलिगेशन ये है कि तहसीलदारों ने, रजिस्ट्री क्लर्क ने, पटवारी ने, इन सब ने मिल के फर्जी रजिस्ट्रियों को जो है फैसिलिटेट किया, इनको होने दिया और गज के हिसाब से कमीशन ले लिया या बल्क में परसेंटेज के हिसाब से रिश्वत ले ली है उन्होंने। ये एलिगेशन उनके ऊपर लगे हैं। और उस जो रजिस्ट्रियाँ इस तरीके की हुई हैं उनमें बहुत सारे तहसीलदार, सैकड़ों पटवारी और रजिस्ट्री क्लर्क, इनके नाम जो है सैकड़ों कर्मचारी और अधिकारियों के नाम आए हैं। तो इस घोटाले के बाद सरकार ने मंडल आयुक्त जो होते हैं उनसे जांच के तौर पे उनके नाम भी लिए गए हैं अधिकारियों के, और जो 7 रूल 7 होता है पुनिशमेंट रूल्स का, तो उन्होंने उनके कार्रवाई के आदेश भी देते हैं। दूसरी बात हम कर लेते हैं राजस्थान में। राजस्थान में किस प्रकार का घोटाला, सो कॉल्ड घोटाला, वो जो है सामने आया, पकड़ा गया, या कह लीजिए उस तरीके की शिकायत दी गई। उसमें क्या हुआ कि भाई जो अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो वही है, रजिस्ट्रेशन एक्ट तो वही है, उसमें तहसील में जब रजिस्ट्री जाती है तो ऑनलाइन ई स्टाम्प निकलते हैं अब भाई आजकल, और जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो भी ईग्रास जो सरकार की साइट है उसके ऊपर चलान जमा होते हैं, पैसे जमा होते हैं, तो वो रसीद जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्री के टाइम पे लग जाती है। और तहसील में जो डॉक्यूमेंट राइटर होते हैं या रजिस्ट्री एजेंट होते हैं
वो इतना फ्रीक्वेंटली काम करते हैं तो कि भाई वो वहाँ के अधिकारी या कह लीजिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें इतने इन्वॉल्व होते हैं कि कई बार जो अधिकारी या जो आरसी होते हैं रजिस्ट्री क्लर्क उनसे मिलके वो भीड़ में उनका साथ देने के तौर पे वो लोग क्या करते हैं कि जो रसीद लगानी होती है रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे वो फर्जी रसीद उन्होंने वहाँ पे लगा ली। अब डॉक्यूमेंट स्कैनिंग और रसीद का काम जब लोग डीड राइटर कर रहे थे, व्यवस्था ऐसी थी कि भाई जो भीड़ ज़्यादा थी तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऐसा एलिगेशन है कि भाई उसमें जो है अधिकारीगण मिले हुए हैं उन्होंने भी पैसे खा लिए हैं फर्जी रसीदों के जरिए। अब जो पैसे बाईपास करने के लिए प्रोसेस को कम पैसे कमीशन दे दिया गया है, तो इस प्रकार से फर्जी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपने जाना कि भाई जो आजकल आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि रजिस्ट्री घोटाले, तो घोटाला कैसे हो सकता है और ये जो एलिगेशन और कंप्लेंट है ये साबित होंगे चालान, ये पहले डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य में आई हुए हैं, वहाँ पे चार्जशीट होते हैं अगर कोई गिल्टी होता है तो, और जो क्रिमिनल केस होता है फिर वो दर्ज होता है। उसके बाद क्रिमिनल केस जब चलता है तो गवाहियों पे बात आती है और गवाहियों में फिर उसके बाद जो एक्विटल या कह लीजिए कन्विक्शन की बात आती है, सज़ा होती है कि नहीं होती है। लेकिन जो घोटाला वर्ड हमने सबसे पहले कोशिश करी थी समझाने की, ये घोटाला होता क्यों है, ये उस सब प्रोसेस को बाईपास करने के लिए होता है। जब रजिस्ट्री कहीं होती है और उसकी एनओसी लेनी होती है और उस प्रोसेस को टाउन प्लानिंग जो डिपार्टमेंट होता है टाउन प्लानर, उससे एनओसी लेने से बचने के लिए, उसकी फीस भरने से बचने के लिए वो इस प्रोसेस को बाईपास करते हैं और वो डायरेक्ट कोशिश करते हैं कि भाई तहसील में ही रजिस्ट्री हो जाए। तब जो डॉक्यूमेंट राइटर या एजेंट या तहसील के कोई कर्मचारी या कोई ऐसा किसी करप्शन का जो एलिगेशन जिनके ऊपर लगा हुआ है, वो इस प्रकार से ये घोटाला जन्म लेता है। और ये घोटाला इन्होंने किया है कि नहीं किया है वो साबित होगा मुकदमे में, लेकिन जो एलिगेशन है और कंप्लेंट है वो इस वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश करी। तो अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।